आज हमने ये कटिंग की है, ये फ्रंट शर्ट का ओपन शर्ट का फ्रंट है ये इसकी बैक, ये निक्कर और ये बाल। अस्सलाम वालेकुम, चैनल पे खुश आमदेद। आज हम 6 माह के बच्चे का ओपन शर्ट और निक्कर काटेंगे, जिसका साइज ये है। ये हमने 1 गज कपड़ा लिया है, इसको इसका हम पहले ओपन शर्ट काटेंगे। ये हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ 1 इंच का निशान, 1 इंच का निशान। इसके आगे हम ये 1 इंच था, इसके आगे हम इसका हाफ करेंगे, आधा इंच, आधा इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इसको स्केल के ज़रिए निशानों को मिला देंगे। शर्ट का हम फ्रंट काट रहे हैं, इसकी अब हम मोड़े का निशान लगाएंगे। इसका मोड़ा 5 इंच हमने रखना है, तो यहाँ ये 4.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, ताकि वो गोल हो के 5 इंच हो जाएगा। अब इसकी लंबाई है 13.5 इंच, हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच हमारा ऊपर से चला जाएगा, और ये हम नीचे रख लेंगे, यहाँ 1.25 इंच नीचे रख लेंगे दबाव के लिए। ये मोड़े का निशान लगा लिया हमने, ये इसकी लंबाई का निशान लगा लिया, ये जो हमने नीचे दबाव रखना है उसका निशान लगा लिया। अब हम इसका तीरे का निशान लगाएंगे, तीरा 9 इंच तीरा है, 9 इंच तीरा। अब हम इसको आधा इंच ज़्यादा रखेंगे इस निशान के ऊपर से, ये हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे, 5। चेस्ट है 11.5। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे, ये निशान भी हम ऐसे सीधा कर दिया। छोटा बच्चा है, इसका हम कंधा डाउन करेंगे 1 इंच। यहाँ से गला हम इसका रखेंगे 1.25 इंच, और यहाँ से हम नीचे रखेंगे इसका गला 1.25 इंच। गोल गला बनाएंगे हम इसका बच्चे ऐसे, ये हमने निशान लगा दिया। अब इसको हम थोड़ा सा अंदर करेंगे, ताकि हमारा फ्रंट जो है वो साफ आए, ये हमने निशान लगा दिया। अब हम इसको देखें इस तरह करके, तो पता चलेगा कि ये हमारा 5 इंच तैयार रहेगा, 5.5 इंच या 5 इंच तैयार रहेगा। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे ऐसे, तो ये गला काटे हम यहाँ, ये मोटा हो गया। अब हम इसको इस साइड से काट देंगे, ये जो मैंने फोल्ड किया है वो इसलिए किया था ताकि यहाँ से ये ऐसे अंदर को होगा ये, तो ये यहाँ से बराबर आ जाए, इसलिए हमने इसको फोल्ड किया था। अब इसकी बैग काटनी है हमने, बैग हम इस तरह काटेंगे। ये शर्ट को हमने ये अंदर फोल्ड करना है, तो हमारा जो सेंटर आएगा फ्रंट का वो ये वाला आएगा, तो हमने यहाँ से ही साइज किया था इसका, तो बैग भी हम यहाँ से यहाँ के बराबर रखेंगे, इसकी इसके बराबर रखेंगे हम। इसको हम ऊपर से हम 2 इंच ज्यादा कर लेंगे, इसको 2 इंच बैक को ज्यादा कर लेंगे ऐसे, ऐसे। अब हम ये कपड़ा अलग कर लेते हैं यहाँ से,
ये कपड़ा ज़्यादा है, हम इसको एक तरफ कर देंगे, ये 4.5, ये कपड़ा ज़्यादा है, हम इसको एक तरफ कर देंगे। तो हम इसको निशान लगाएंगे यहाँ से, जितना कपड़ा हमें चाहिए हम वहाँ निशान लगा लेंगे। ये कर दिया, इसको हम, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इस निशान के बराबर बैक रखेंगे। अब हम यहाँ से इसको 2 इंच ऊपर से बड़ा रखेंगे, यहाँ से हम 1 इंच रखेंगे, इसका हम तीरा अलग नहीं डालेंगे, इसी में से काटेंगे। ऊपर बैक बड़ी रख देंगे ताकि सामने से फ्रंट जो है वो ठीक बैठे। ये तीरे का निशान आ गया 5 इंच, हमने ये 2 इंच रखा था, यहाँ से हम 1 इंच इसको रख के ऐसे करेंगे, निशान लगाएंगे, गुलाई कर देंगे। ये हमारी बैक की कटिंग हो गई। अब हम इसको ऐसे करके देखेंगे कि ये कहाँ आता है, यहाँ आता, इतना बढ़ता है, इतना हम यहाँ से काट देंगे। ऐसे इधर से भी देखेंगे, इधर से इतना बढ़ता है, ये हम यहाँ से सीधा काट देंगे इसको, यहाँ से ऐसे। इसको ये हो गया, इसको ये देखें, इधर से भी बराबर आ रहा है और इधर से भी बराबर आना चाहिए। ये जो थोड़ा सा बढ़ रहा है हम इसको काट देंगे। इसका ये फायदा होगा कि हमारा जो फ्रंट है वो बिल्कुल यहाँ से साफ आएगा, जब ये बच्चा पहनेगा तो फ्रंट बिल्कुल साफ आएगा, और ये जो बड़ा रखा है इससे ये फ्रंट ऐसे ऊपर नहीं उठेगा, उसको जब वो पहनेगा तो ये बराबर आएगा ऐसे। अब हम इसकी निकर काटेंगे, निकर इसकी 1.5 इंच रखेंगे ऊपर नेफे के लिए, इलास्टिक डालने के लिए हम 1.5 इंच रखेंगे। यहाँ 1.5 इंच का निशान लगा दिया। इसकी निकर की लंबाई है 9 इंच, ये 9 इंच पर लगा दिया, ये 1.5 इंच हम नीचे से इसको फोल्ड करेंगे, ये हो गया 9 इंच की लंबाई का, ये फोल्ड वाला। तो आसन का इसका निशान लगाएंगे, 8 इंच हमने आसन रखना है, 7.5 पे निशान लगाएंगे, वो गुलाई होके 8 इंच पूरा आ जाएगा। तो ये हमने हिप से खुला रखना है 7.5, 8 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 1 इंच हमने इसको निशान लगा लिया यहाँ, अब इसको ऐसे गोलाई कर देंगे, ये वाला हो गया। अब हमने देखना है कि हमारा 8 इंच आसन रहेगा, ये 8 इंच आसन हमारा रहेगा पूरा। अब हम इसको ऐसे काट, ये हमारी निकर कट गई, यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से हम नेफा उसका फोल्ड करेंगे। अब हमने इसके बाजू बनाने हैं, तो यहाँ से हम फोल्ड करके इसके बाजू बनाएंगे,
4.5 इंच हमने मोड़ा रखना है इसका, तो ये हम बाजू बना लेंगे। यहाँ काटन है, इसको इस्त्री लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, काटन बगैर इस्त्री के आप काट सकते हैं। ये 5 इंच हो गया, यहाँ से हम इसको 5.5 रखेंगे। बाजू की लंबाई है हमारी 4 इंच, ये हो गया 4.5 इंच और ये हो गया फोल्ड करने के लिए। ये हम इसको क्रॉस कर देंगे, हमारी मूरी आ जाएगी 4.5 इंच, 4 इंच से हमारी मूरी तैयार आ जाएगी। ये हम इसको मोड़े को यहाँ से गुलाई देंगे, यहाँ से हमने 5 इंच रखा था, ये 4.5 इंच रह जाएगा। ये हमारी, ये हमारे छोटे बच्चे का, 6 माह के बच्चे का साइज जो है वो पूरा हो गया। कपड़ा इसका 1 गज कपड़ा था, इसमें हमने इसमें ओपन शर्ट बनाई, निकर बनाई और ये 1 गज में आसानी के साथ बन गया।